परमेश्वर और शैतान दोनों के पास आपके लिए एक संदेश है। पृथ्वी के हर इंसान को वो संदेश देना चाहते हैं। शैतान भी संदेश देना चाहता है और परमेश्वर भी संदेश देना चाहते हैं। एक तरफ आपके शैतान का संदेश है और दूसरी तरफ आपके परमेश्वर का संदेश है। आपके संदेश को फॉलो करना है और कैसे करना है आपको कैसे पता चलेगा यह परमेश्वर का संदेश है और यह शैतान का संदेश है। संदेश दोनों ही आपके पास आएंगे। चॉइस निर्णय आपने करना है कौन सा संदेश आपने पकड़ना है। आज लोग मर क्यों रहे हैं, आज लोगों के जीवन में बीमारियां क्यों हैं, पश्चाताप क्यों है, लोगों के जीवन में गरीबी क्यों है, बंधन क्यों है, उदासी क्यों है, बेचैनी क्यों है, परिवारों में झगड़े क्यों हैं, बच्चे नशे में क्यों हैं, आपका फल कोई क्यों खा रहा है, दुष्ट आत्मा ने आपको क्यों पकड़ा है, आप अच्छे काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपने शैतान का संदेश सुना है और शैतान का संदेश आप मान रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का संदेश सुनेंगे, परमेश्वर का संदेश मानेंगे, ये कुछ भी आपके जीवन में नहीं आएगा। आप एक नदी के किनारे पे लगे हुए पेड़ के समान होंगे, जो हर हरियाई में रहता है, हरा रहता है और टाइम सिर्फ फल देता है। हजारों लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास बच्चे नहीं थे, जब चर्च में आए उनके लिए प्रेयर की गई, प्रभु ने उनको बच्चे दिए, ब्लेस कर दिया। अगर आप परमेश्वर का संदेश नहीं सुनेंगे, परमेश्वर का संदेश क्या है, हर इतवार को पूरा घर बंद कर दो, पूरे काम बंद कर दो, ये परमेश्वर का संदेश है और हमने आज तक नहीं किए। और हम दावा क्या करते हैं, यीशु के सामने रोने से कुछ नहीं होने वाला, यीशु के सामने आके पीटने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ लिटने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने परमेश्वर का संदेश नहीं पकड़ा, पहले आपके पास घर नहीं था, आप प्रेयर करते थे प्रभु घर दो घर दो, प्रभु ने घर दिया। अब घर में दो व्यक्ति घर में रहते हैं, दो चर्च में आते हैं, पूछो तो क्यों नहीं आ रहे, बोलने घर अकेला है इसलिए नहीं आ रहे। घर को कोई उठा के नहीं ले जा सकता। अपने घर स्वर्ग दूतों की जिम्मेदारी लगाना सीखो, यही मैं बोल रहा हूं। अगर आप परमेश्वर का संदेश सुनेंगे, आपको तकलीफ नहीं होने वाला, आपको दर्द नहीं होने वाला, आपको चिंता नहीं होने वाली, आपके ऊपर बोझ नहीं होगा। शैतान का संदेश आपके ऊपर बोझ डालता है, शैतान का संदेश आपको नीचे धकेलता है, नीचे धकेलता है, आपको नकारात्मक बनाता है, आपको गलत कामों में उत्साहित करता है, शैतान का संदेश। और परमेश्वर का संदेश आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है, आपको स्ट्रेस से फ्री करता है, टेंशन से फ्री करता है। मगर ये पहचाने कैसे कि कौन सा संदेश हमने पकड़ना है,
कौन सा संदेश है हमारा जो खुदा की ओर से आता है। यही कलीसिया बड़ी गलती करती है क्योंकि वो प्रेयर नहीं करते, पूरी फैमिली के साथ चर्च नहीं आते। चर्च आना एक बड़ी आशीष को लेना है। देखो आप यहां बैठे हैं, दिक्कत क्या है इसमें? अगर आप घर का फिक्र करते हो तो वहां आप प्रेयर करके स्वर्गदूतों का ठहरा दो कि स्वर्गदूतों यहां निगाहबानी रखना जब तक हम वापस नहीं आते। वो आपके घर में किसी को घुसने नहीं देंगे। अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा फाड़ देंगे उसको। क्या आपने बाइबल पढ़ा है? क्या आपने बाइबल का संदेश पढ़ा है? मगर आपको फेथ होना चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लगा सकते तो स्वर्गदूत को खड़ा कर दो, फिर आत्मिक रीति से और बढ़ जाओ। जब आप परमेश्वर के इस संदेश को सुनकर उसको पूरा करना शुरू करेंगे, क्या शैतान आपके साथ धोखा कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि आप पहले खुदा के वचन को ना मानकर शैतान को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से धोखा करते हैं, हम परमेश्वर के वचन की सभी बातों को नहीं मानते। आप आधे कच्चे विश्वासी हैं। अगर आपको खाने में रोटी कच्ची दी जाए, आधी पक्की और आधी कच्ची, क्या आप खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे। इसी प्रकार एक विश्वासी की प्रार्थना तब सुनी जाती है जब वो विश्वासी विश्वास में पूर्ण होना शुरू हो जाए। देखो आप यहां अपने बच्चों के साथ आए हैं, बूढ़ों के साथ आए हैं, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ। खुदा को कितना आज आपसे प्यार आ रहा है, खुदा कितना आपको प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। आज मेरे पुत्र ने मेरे वचन को माना है, आज परमेश्वर का संदेश इसलिए आपके पास आ रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। तभी छह दिन के बाद खुदा बुलाता है। बाइबल बताता क्या है? बाइबल बताता है खुदा आपको इसलिए बुलाते हैं चर्च में, प्रेयर में, फैमिली के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपको और ब्लेस करना चाहते हैं। और ब्लेस होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन सुनने पड़ते हैं, जो यहां फ्री में आपको वचन दिए जाते हैं, प्रेयर की जाती है। आप देखेंगे आज ही, अगर आप परिवार के साथ आए हैं, आप देखेंगे आपके घर का, आपके बच्चों का, आपकी बीबी का, आपके पति का, आपकी सास मां का, ससुर का, देखेंगे उनके चेहरे मोहरे, उनकी बातें, उनका उठना बैठना आप देखेंगे बदलना शुरू हो जाएगा। खुदा बाप पाक रूह उनकी हिफाजत करेंगे, आपके घर में शांति आ जाएगी, आपके घर में खालीपन खत्म हो जाएगा। अभी मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपका खालीपन जाए, आपके घर में आशीष आए, बरकत आए, लड़ाई जाए, झगड़े जाए, दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम से। आमीन। मैं बता रहा हूं संदेश आता है, दोनों की तरफ आता है। परमेश्वर का संदेश सच्चाई है और शैतान का संदेश बुराई है। अब आपने देखना है, आप सच्चाई में चलना चाहते हैं कि बुराई में चलना चाहते हैं? बुराई बहुत अच्छी लगती है। जैसे सूर चिक्कड़ में जाते हैं बहुत ही खुश रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ा तो आपको भी बुराई अच्छी लगेगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा
जो शैतान चाहता है आप करें, आपके विचारों में इतनी गंदगी आएगी, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, वहां परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनेंगे।